जी महाराज, अगर आपने उन संत का 60 बार सोना अदा न किया तो फिर आप झूठे पड़ जाओगे। आपके नाम के जो चारों तरफ डंका बजते हैं ये झूठे पड़ जाएंगे कि आप सत्यवादी राजा नहीं हो, आप दानवीर राजा नहीं हो। प्रभु कुछ भी करके उन संत का 60 बार सोना अदा कर दीजिए। आप खुद बच जाइए, हमें बेच दीजिए, मेरे पुत्र को बेच दीजिए, लेकिन उन संत का 60 बार सोना अदा कर दीजिए। अब तारा क्या कह रही है कि मुझे बेच दो। ओ मैया, हो गई पंचायत, तब ने कमाई पंचायत सुन ले है? अब ने मेरी सुन ले। तारा क्या कह रही है हरिश्चंद्र से कि अगर वो संत 60 बार सोना मांग रहे हैं तो आप खुद बिच जाओ, हमें बेच दो, लेकिन संत का 60 बार सोना अदा कर दो। और आजकल अगर कह दी जाए कि तुम बिच जाओ पति के दुख में तो बिच जाइए है? बताओ परीक्षित महाराज, नहीं बिछेंगी ना? हाँ, क्योंकि आज की दुनिया की यही सच्चाई है। जानो पति के पास पैसा जब आता तुम रोज ही बता तो पति से प्यार है महाराज, पैसा खत्म था प्रेम खत्म। अगर पति के ऊपर दुख आ जाए तो महाराज यही पत्नी जकाती दारी के जब तक संग ब्याह करके आती है दुखन के अलावा हमें दो ही काए काती के नहीं काती। अगर तेरे ऊपर दुख है तो कोई दिक्कत नहीं, तू नहीं सही तो दारी को दूसरों से। आज कल की ऐसी है महाराज, क्योंकि पति से प्रेम आज की दुनिया में केवल पैसे तक है। क्योंकि विद्वान भी लिखते हैं, अरे नार प्रेम जबई लाजाने, चोर बराबर जाने और सुना। अरे धनक कबड्डी उही जान प्रेम छोटा जान नावर को आई मत बोले करुए बोल के मरी जा पति तो बताई और का कहती चार दिन से के लिए तैयार हो गई।